हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द एंटायरिटी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक एक ऐसा केक है जिसका टेक्सचर सॉफ्ट मखमली है, जस्ट लाइक अ वेलवेट, एंड रेड कलर जस्ट हैपन टू बी वेरी वेरी पॉपुलर इन वेलवेट केक। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वेलवेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, और इस बाउल में हम डालेंगे मैदा और इसे हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, अगर इसके अंदर लम्स है वो खुद पर खुद हट जाती है। सो जो केक बनता है वो बहुत ही वेलवेटी स्मूथ बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा एंड अ टीनी पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये सब डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। अब एक स्पून के हेल्प से ये जो मिक्सचर है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू क्रीमिंग बटर एंड शुगर टुगेदर। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बाउल लिया है। हमारे पास है बटर, अनसॉल्टेड बटर। इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर। अब इसे हम आराम से हल्की स्पीड पर क्रीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर तो आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमारे पास है एग्स। एक एक करके इस बटर और शुगर के मिक्सचर में डालेंगे। स्लोली ग्रेजुअली ऐड करना है वाइल विस्किंग इट। तो यहाँ पे मैंने एक अंडे को डालकर अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। अब फिर से मैं इसमें एक और अंडे को डाल रही हूँ और फिर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे मेरा जो एग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जाएगा वेजिटेबल ऑयल, जिसमें स्मेल ना हो, और फिर हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जो थोड़ा सा मैंने तेल को बचा कर रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर और अब इसमें जाएगा बटर मिल्क। तो यहाँ पे मैंने बटर मिल्क डाल दिया है। अब मैं फिर से ब्लेंडर के हेल्प से इसे 5 मिनट तक ब्लेंड करूँगी, जब तक कि हमारा जो बैटर है वो थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बैटर है वो थिक हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को डालने के बाद फिर से मैं इसे 2 मिनट तक ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब जो हमारा ये जो फ्ला का मिक्सचर है, अब इसके अंदर हम धीरे धीरे फ़ोल्ड करेंगे। हल्का हल्का इसमें डालकर इसे फ़ोल्ड करेंगे जेंटली। एंड द लास्ट वन, इसे भी डालकर हम अब इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो बैटर है वो मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा और बटर मिल्क को डालूँगी। थोड़ा सा डाल रही हूँ और फिर इसको डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर का कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्राइट रेड वेलवेट कलर। लेट्स मिक्स इट अगेन। तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की बनी है। नाउ अब हमारे पास है केक टिन, जिसके अंदर मैंने डाला है बटर पेपर। अब हमने जो बैटर लिया है वो मैं इसमें डालूँगी। अब इसे स्पैचुला के हेल्प से इसे हमें इवनली स्प्रेड कर लेना है और फिर हमें इसे जस्ट टैप करना है ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब हमें इस तरह का टूथपिक लेना है और सेंटर में हमें इसे प्रेस करके इसे सर्कुलर मोशन घुमाना है। इससे ये होगा कि हमारा जो केक बन के निकलेगा ना, उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया निकलेगा। तो अब हमारा ये केक टिन जाएगा अवन के अंदर। तो मैंने अवन को पहले से ही 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब जो हमारा केक टिन है वो जाएगा अवन के अंदर और फिर मैं इसे 35 से 40 मिनट तक के लिए इसे बेक करूँगी। नाउ इट्स टाइम टू चेक ऑन माई केक एंड येस, इट हैज़ कम आउट ब्यूटीफुल। और इसके ऊपर जो आपको क्रैक दिख रहा है, दैट्स अ साइन ऑफ ए वेरी नाइसली बेक्ड केक। और आप देख सकते हैं हमारा जो टूथपिक है वो भी बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। अब हम अपने केक को 10 मिनट तक बिल्कुल ऐसे रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो चुका है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और उसके कॉर्नर को इस तरह हम हटाएंगे ताकि जो हमारा केक है वो बिल्कुल सही से निकले। अब हम एक प्लेट लेंगे और फिर प्लेट के ऊपर हम अपने केक को पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बहुत ही ईजिली निकल गया है। इसके ऊपर के जो बटर पेपर उसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है और हमारा केक भी बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है। अब हम अपने केक को पलट लेंगे और फिर हम अपने केक के आइसिंग की तरफ चलते हैं। रेड वेलवेट केक की जो फीलिंग है वो बनती है सॉफ्ट क्रीम चीज़ से। हमारे पास है ये क्रीम चीज़ जिसका क्वांटिटी आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ये फाइन ग्रेन शुगर और फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो लगभग आपको 3 से 4 मिनट तक इसे ब्लेंड करना है। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट और फिर मैं इसे ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसे ब्लेंड करना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो क्रीम है वो बहुत ही बढ़िया से ब्लेंड हो रहा है। तो हमारा जो क्रीम है वो बहुत ही बढ़िया से ब्लेंड हो चुका है। अब इस क्रीम को हमें साइड करना है और फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरा बाउल लेंगे। इस बाउल में मैं डाल रही हूँ इसमें हैवी व्हिप्ड क्रीम और फिर मैं इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के हेल्प से इसे 4 से 5 मिनट तक इसे ब्लेंड करूँगी। तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक कि हमारा जो व्हिप्ड क्रीम है वो थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरा व्हिप्ड क्रीम थिक हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही थिकनेस चाहिए हमारे क्रीम की। तो अब हम इसे साइड करेंगे और जो हमने क्रीम चीज़ को रेडी किया था वो हम लेंगे और फिर हम इसमें व्हिप्ड क्रीम को डालेंगे और फोल्ड करेंगे जेंटली। तो इसी तरह हम अपने व्हिप्ड क्रीम को थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसमें डाल करके इसी तरह हम इसे कंटिन्यू फोल्ड करते रहेंगे। तो आपको डायरेक्ट से पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है और फिर इसे फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो क्रीम है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने केक की तरफ चलते हैं। तो अब एक नाइफ़ के हेल्प से इसके ऊपर के क्रस्ट सबसे पहले निकालेंगे। वी विल कट इवेनली, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे कट करना है। और ये जो केक का क्रस्ट है या क्रम्स है इसे फेंकना नहीं है, इसका भी एक यूज़ है। यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। जस्ट फ्रॉम द सेंटर वी विल स्लाइस इट और इसको 2 लेयर्स में डिवाइड कर देंगे। सो नाइफ़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे कट कर लिया है। अब हमें इसे इस दोनों केक को साइड कर लेना है और हम क्या करेंगे, इस तरह का ट्रे लेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हमने जो क्रीम को रेडी किया था वो मैं लगाऊंगी। तो अब जो हमने केक को हाफ कट किया था वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी और फिर जो हमने क्रीम को रेडी किया था वो मैं इसके ऊपर रखूंगी और नाइफ़ के हेल्प से इसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी, बिल्कुल ठीक इसके बराबर रखना है। ये देखिए, और फिर जो हमने क्रीम रेडी किया था वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी और फिर इसे भी मैं चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं नाइफ़ के हेल्प से इसे कॉर्नर को बिल्कुल क्लीन करना है, चिकना करना है, हमें बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं मैं नाइफ़ के हेल्प से इसे बराबर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा इसके एजेस में जो क्रीम लगा है वो मैं टिश्यू पेपर के हेल्प से इसे क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट के प्रोसेस पे चलते हैं। हमारे पास ये ब्रेड का क्रम्स है जो हमने इसके ऊपर से निकाला था। नाउ ये जो क्रम्स है इसके साइड पर यूं हल्के हाथ से चिपका देंगे। डोंट वरी, ड्रेसिंग अ केक कैन बी अ लिटिल मेसी वर्क बट यू हैव टू गो थ्रू दिस मेस टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। थोड़ा सा मेसी है बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब एक नोज़ल के हेल्प से मैं इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना दूंगी। ये देखिए आप इसके ऊपर चाहे तो कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ्लावर को इस तरह बना दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो कितना बढ़िया बना है। अब मैं थोड़ा सा जो हमारा ब्रेड क्रम्स है इसके कॉर्नर में इसको इस तरह डेकोरेट कर दूंगी ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बनकर रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है हमारा रेड वेलवेट केक। इस स्टेज में अगर आप किसी के बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर नाम लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे, या फिर अगर वैलेंटाइन डे के लिए बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर वैलेंटाइन डे भी लिख सकते हैं। चूँकि मैं ये बर्थडे के लिए बनाई हूँ तो यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे जिसके लिए मैंने बनाया है उसका नाम लिखा है। और अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर कॉर्नर में मैं एक फ्लावर बना रही हूँ और फिर मैं नीचे एक स्माइली इमोजी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक नीचे स्माइली इमोजी बना रही हूँ। फिर मैं इसे फ्रीज में 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए रख दूँगी। सो ये वो टाइम है जब मैं कह सकती हूँ केक कटेगा, सब में बटेगा। टाइम टू कट अ स्लाइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल केक। लेट्स डू इट जस्ट केयरफुली एंड जेंटली। ब्यूटीफुल यमी रेड वेलवेट केक इज़ डन। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना है, बिल्कुल बेकरी जैसा हमारा ये केक बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं इसी तरह के नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।